रैली का आगाज करदिया सिविल जज ने खुद आम लोगों नू लोक अदालत बारे जागरूक किया। जो लोक अदालत नैशनल लोक अदालत है वह 9 सितंबर नू आ रही है। लोगों नू इस बारे जागरूक करने लई अज असी एक रैली कढ़ी है जिहदे विच गवर्नमेंट हाई स्मार्ट स्कूल पार्क दे सहयोग नाल प्रिंसीपल प्रदीप मित्तल ते इंचार्ज मैडम नीरज ने साडी बहुत सहायता की है। अज असी एक मार्च कढ़ के जिहदे विच कि बच्चों ने बैनर चके ते स्लोगन भी बोले ते जिन्हें जिस भी रस्ते तो असी गए असी उत्थे जिन्हें भी सानू लोग मिल रहे सी दुकान वाले रेगुलर ट्रैवलर्स उन्हां सारिआं नू असी लोक अदालत बारे जागरूक किया। लोक अदालत का जो लाभ लेना जे तो कोई केस ऑलरेडी पेंडिंग है केस चल ही रहा है तो जिस भी अदालत चो चल रहा तो उत्थे एप्लीकेशन दे सकते हो तो वो जज साहबान केस नौ नौ नू टेकअप कर लेंगे। तो जे हले झगड़ा अदालत विच नहीं पहुँचा तो हले झगड़ा वैसे ही चल रहा है तो एक दोनों चो एक भी कोई भी धिर या दोनों धिर इकट्ठिया होकर एप्लीकेशन दे के प्री मीडी लिटिगेटिव स्टेज से लोक अदालत में केस लगवा सकती हैं। हर किस्म का केस लोक अदालत में लग सकता है पर बस सीरियस तो हीनियस क्रिमिनल केसेस नहीं लगते। सिविल केसेस चेक बाउंस केस हिंदू मैरिज एक्ट थले जिस तरह घर बसाने वाले केस तलाक दे केस खर्चे दे केस ये हर किस्म के केस लग सकते हैं। सानू सीधी एप्लीकेशन दे सकते हैं असी दोनों धिरां नू बुला के उहदे विच जो भी बनती कार्रवाई है वह कर दिंदे आ। जे तां लगता है कि समझौता हो सकता है तो समझौता भी करवा दिता जाता है तो जे लगता है कि इहदे विच कोई केस रजिस्टर होना है या कोई तलाक का या बसेवें का केस पैना तो असी उस किस्म की उन्हां नू सहायता दे दिंदे आ। ये सारी मुहिम इसलिए चल रही है ताकि तुहाडे माध्यम के द्वारा मैं तुहाडी भी बहुत शुक्रगुजार हाँ तुसीं हर मौके पर पहुँचते हो तुहाडे माध्यम के राही असीं लोगों नूं जागरूक करना चाहते हैं कि सरकार की बहुत अच्छी स्कीम है लोक अदालत की। इहदे विच आ के बगैर किसी खर्चे दे ये अपने सारे केस लोग मुका सकते हैं। ये कोई भी पैसा नहीं लगता तो जिहड़ी कोर्ट फीस लगी भी हुंदी है पहला केस चलदे ते वो भी रिफंड हो जाती है।